अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी होटल से होते हुए शिरडी, जो हार्डली 0 किलोमीटर दूरी की है। इसके अंदर आपको शिरडी के अंदर के आगे का प्रोसेस के बारे में मुझे डिटेल वीडियो नहीं बनाने मिलेगा, क्योंकि रीज़न ये है वहाँ पे सेल फोन और कोई भी कैमरा इक्विपमेंट अलाउड नहीं है। तो अभी हमारा साई मंदिर के उधर से दर्शन हो गया है, तो जस्ट हम लोग ने 4:30 बजे एंट्री किया था साई दरबार के पैलेस में जाने के लिए, मतलब साई बाबा के मंदिर में जाने के लिए 4:30 बजे एंट्री किया था। अभी लगभग 9 बज चुके हैं, 8:30 बजे हम लोग का कंप्लीट दर्शन हुआ। पूरे मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने, जो हमारे भाई थे वो नए थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, तो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया है। और बहुत प्यारा था दर्शन, मतलब दरबार में मुझे कंप्लीट 2 मिनट खड़े रहने को मिला। थोड़ा हेक्टिक भी था क्योंकि लाइन प्रोसेस इन लोग का सैटरडे संडे होने की वजह से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीकेंड में कभी मत आओ, वीकडेज में आओगे तो आपका दर्शन 1 घंटे में हो जाएगा। वीकेंड में मेरे को 4:30 से अभी पकड़ लो 8:30, मतलब लगभग 4 घंटा हो चुका है। अभी इसके बाद में साई दरबार के बाजू में, मतलब साई मंदिर के बाजू में जो भी आपको चीज़ मिलते हैं उसके बस वीडियोज़ निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट बताते जाऊँगा। साई बाबा का दर्शन होने के बाद मैं 3 नंबर गेट से जब एग्जिट किया था, तो मैंने वहाँ से शिरडी साई बाबा का फेमस लड्डू ले लिया था। जो लड्डू एज अ प्रसाद लिया, उसके साथ मैंने बहुत सारे यहाँ पे जो प्रसाद मिलते हैं कुरमुरे बोलो वहाँ के, उसके अलावा मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो शिरडी साई बाबा के छोटे मूर्ति को वस्त्र पहना थे वो सब वस्त्र मिलते हैं वहाँ पे। उसके साथ वहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक शोपीस आइटम रहते हैं और जो घर के अंदर है तो शोपीस लगाया जाता है वो सब मिलते हैं। और नियर बाय शॉप में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कड़ा जिसके ऊपर ओम साई राम लिखा रहता है वो कड़ा मिलता है। उसके साथ ज्वेलरी आइटम्स है और कंदी पेड़ा तो यहाँ का फेमस है, कुछ 80 रुपीज़ का हाफ केजी आता है और 160 रुपीज़ किलो है, वो कंदी पेड़ा आप ले सकते हो वहाँ पे। और उसके अलावा मैं आपको वहाँ का जो फेमस पेरू है, पेरू तो आप डेफिनेटली आने के बाद। तो अभी हम साई लीला नॉवल्टीज़ में आए, जो साई बाबा के द्वारका माई मंदिर के एग्जैक्ट बाजू में। इनके पास फेमस क्या क्या है मैं इनसे जान के लेता हूँ, अभी ये बताएंगे। कलाकंद है, कंदी पेड़ा है, मावा है। ओके। और एक पेड़ा है राजूर का, ये राजूर का पेड़ा है, फेमस पेड़ा है। ये कैसा देते हैं एक पैकेट? 100 रुपए का एक पैकेट है। 100 रुपए के एक पैकेट में कितना आता है? 200 ग्राम है। 200 ग्राम आएगा इनके पास 100 रुपए का एक पैकेट। इसके अलावा इनके पास ये कोकोनट लड्डू भी मिलते हैं, जो शिरडी में आपको बहुत रेयरली मिलने वाले, कुछ यूनिक महीना अभी मैंने देखा है। 120 रुपए MRP है, आ जाओ कभी भी लेने। इसके अलावा जो शिरडी का सबसे फेमस है वो मनुका और पेरू यहाँ का सबसे फेमस है, पर पेरू आपको दुकान में नहीं रोड पे ही मिलेंगे। जो मनुका आपको दुकान में मिलेंगे टॉप क्वालिटी मुझे पसंद आया इनके पास, पर बजट में है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, चेक कर लो एक बार। क्या रेट में दे रहे हो सर ये? 90 रुपये पाव किलो है, मतलब 360 रुपये। 360 रुपये किलो के हिसाब से आएंगे, कोई भी लो, ये लो या छोटे चाहिए रहेंगे छोटे ले लो, जो लड्डू में डालना है। ब्लैक वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है क्या? वही रेट में ब्लैक वाले का रेट क्या है? ब्लैक वाला 300 रुपये किलो है, मतलब 150 रुपये आधे किलो से आएगा आपको। अगर आप कभी विजिट करते हो शिरडी के द्वारका माई में, उधर से आउट एग्जिट गेट जो है टूवर्ड्स जो घर लेके जाएंगे गुरुस्तान के एग्जैक्ट बाजू में, आपके दुकान का नाम साई लीला में आपको ये मिल जाएगा। थैंक। और अभी आपको साई पालकी भी देखने मिल गई है, जो ये लोग चल के आए शिरडी के दर्शन लेने के लिए, तो आप चेक कर सकते हो। साई की पादुका है शिरडी की तरफ, ये शिरडी दरबार में जाएंगे अभी द्वारका माई। देखो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं। हाँ, सुबह के 11:30 बजे। कल रात को थोड़ा शिरडी नगरी से आते हुए बहुत देरी हुई, क्योंकि लिए भक्ति निवास जाने वाले थे, तो भक्ति निवास में जो खाना था वो बंद हो चुका था, तो हम लोग ने नियर बाय होटल में 2 वेज थाली मंगा के मेरे भाई और मैंने दोनों ने वो बजट फ्रेंडली प्राइस में पेट भर लिया। उसके बाद जब हम लोग आए तो बहुत थके हुए थे, इसलिए ब्लॉग बना नहीं सका मैं। जब हम लोग रिटर्न आए तो जैसे सुए
सुबह 10 बजे हम लोग उठे, नींद खुली सुबह 10 बजे। 10 बजे नींद खुलने के बाद मैं बोला एक शॉर्ट व्लॉग आपको बता दूंगा इन्फॉर्मेशन कि शिरडी में मैंने क्या क्या देखा। सबसे पहली बात तो मैंने 4:30 बजे लाइन लगाई। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हुआ, वो भी बताऊँगा। हम लोग उधर गए, उधर से आपको 2 नंबर गेट से चेक इन करना पड़ता है। उसके पहले है ना एंट्रेंस में आपको आपका सेलफोन या सेलफोन के साथ आपका जो शूज़ है, शूज़ का काउंटर बाजू में, सेलफोन का काउंटर बाजू में, एवरी सेलफोन का ये लोग 5 रुपये लेते। तो सेलफोन का हम लोग का कुछ टोटल 3 या 4 सेलफोन थे, वो हम लोग ने एक बैग में डाल के, और हम लोग का जो कैमरा और जो यूटेंसिल्स थे वो बैग भी हम लोग ने दे दिया। तो उसके उन्होंने प्रॉपर चार्जेस लिए। पर बाजू में जब हम लोग शूज़ रखने गए तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे 200 रुपये कूपन, मतलब शिरडी में जाने के लिए दो है, एक तो आप लाइन में जा सकते हो, वरना एक शॉर्टकट लाइन है जिधर 200 रुपये पर पर्सन का कूपन देके आप जा सकते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे 200 रुपये कूपन वाले लोग के शूज़ रखे जाते हैं, और ऊपर किधर बैनर पे लिखा नहीं था। तो मैंने बाजू में जो आंटी थी उनसे बात किया, उनको बोला कि ये 200 रुपये कूपन की बात करें, आपके पास 200 रुपये कूपन है? बोलते नहीं बेटा कि यहाँ पे फ्री रखा जाता है, 200 रुपये कूपन की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैंने उनको सीधा एक्शन बताया मेरा कि सर आप जो स्कैम कर रहे हो मैं अभी के अभी रिकॉर्ड करके लोगों को शो कर दूँगा, तो उनके बाजू के बंदे ने ये सब सुन के भागते हुए मेरे तरफ आए, मुझे बोले सॉरी सर हम लोग गलत नहीं कहना चाहते पर यहाँ पे मोस्टली 200 रुपये कूपन वाले लोगों का ही रखा जाता है। मैं बोला सर आप वहाँ पे बोर्ड लिख के रखो यहाँ पे 200 रुपये लोगों की अलाउड है। ये लोग क्या करते हैं, आपको फोर्स करते ताकि उनका कूपन भी सेल हो जाए, वरना आप वहाँ पे 200 रुपये देखे वो कूपन ले लें। मैं आपको इतना बताऊंगा ये सब मत करो, फ्री ऑफ कॉस्ट और लाइन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहता है, 200 रुपये तो आपके साथ ही जॉइंट होता है, मतलब हार्डली आपको कम से कम लिख के देता हूँ 100 कदम ही चलना पड़ता है लाइन में, और 200 रुपये वाले को 25 कदम, मतलब 75 कदम के लिए अगर आप 200 रुपये खर्च करना चाहते हो तो कर लो, डायरेक्ट आपको दरबार में नहीं लेके जाएंगे, अपना दोनों लाइन मिक्सअप होता है। वो होने के बाद हम लोग कम से कम 4.5 घंटा या 4 घंटा लाइन में थे। उसके बाद बाबा का दर्शन हुआ, बाबा का दर्शन होने के बाद नियर बाय उनका जो शिरडी साई बाबा म्यूज़ियम है, शिरडी साई नगरी के अंदर ही साई बाबा मंदिर के बाजू में, उधर बाबा के जो वस्त्र, बाबा जो बिछाने पे सोते थे, वो बाबा की चिलिम, बाबा का हंडा, अंदर बाबा खुद के हाथ से खाना बना के लोगों को परोसते थे, वो हंडी देखने मिली। वहाँ पे वापस बहुत सारे बर्तन थे जो बाबा यूज़ करते थे, उसके अलावा चिलिम देखने मिले, बाबा का मखमली बिछाना देखना मिला। वो बिछाना देख के हम लोग वहाँ से जब म्यूज़ियम से बाहर निकले तो बाजू में दो दरगाह थे, वो दरगाह में छोटे से वो दरगाह में विज़िट किए। उसके बाद दत्ता मंदिर दिखा, दत्ता मंदिर होते हुए शिरडी नगरी जो हम लोग घूमे तो एक छोटा सा गार्डन है अंदर शिरडी नगरी में, उधर से जब हम लोग बाहर निकले तो 3 नंबर गेट एग्ज़िट गेट, तो 3 नंबर गेट से जब हम लोग ने एग्ज़िट लिया तो बाबा का चावड़ी वो मंदिर के हम लोग ने अंदर विज़िट किया। सामने और एक छोटा सा दरगाह था, वो दरगे के अंदर जब हम लोग ने विज़िट किया उसके बाद हम लोग बाहर आए, और या वहाँ के बाजू में एक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है जहाँ पे हम लोग ने विज़िट करके बाजू में प्रसाद, मतलब जो लड्डू बाबा का, शिरडी साई बाबा का जो प्रसाद मतलब जो लड्डू फेमस है, वहाँ पे 25 रुपये का एक पैकेट मिलता है। अगर एक इंसान को मतलब 2 ही पैकेट दिए जाते 50 रुपये के, अगर गर्दी कम रहेगी तो 100 रुपये के 4 पैकेट वो दे देते, उसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो मुझे लेने थे बहुत सारे लड्डू, तो उन्होंने कहा कि आप लाइन बार बार लगाओ तभी हम लोग देंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद 3 बार लाइन लगाने के बाद मैंने 300 रुपये के लड्डू ले लिए। 11:30 बजे हम लोग यहाँ से अभी चेकआउट करने वाले, 12 बजे चेकआउट का टाइम है, इधर से होते हुए वापस शिरडी जाएंगे। शिरडी में एक दो जगह, मतलब मुझे पेरू लेना है और एक दो प्रसाद लेने, एक दो लोगों के लिए वो लेके हम लोग टूवर्ड्स मुंबई निकलेंगे। तो अभी हम लोग का चेकआउट हो चुका है, हम लोग होटल से निकल चुके हैं, अभी हम लोग जाने वाले शिरडी। शिरडी से जाने से पहले होटल के तरफ से, शिरडी जाते समय बीच में लगता है सेल्फी पॉइंट, कल हम लोग ने यहाँ पे टेक लिया था, वो सेल्फी पॉइंट मैं आज आपको बता था। वही देखो
शिरडी का दर्शन तो हो गया, बाबा की नगरी भी घूम ली, साईं बाबा को मिलके भी हो गया, शिरडी से जो प्रसाद लेना था वो भी हो गया, और डेरू लेके अभी हम लोग निकलने वाले हैं मुंबई। अभी बज चुके हैं, 1:30 बज चुके हैं लगभग, सुबह नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि लेट उठने हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक भंडारदारा की तरफ एक रास्ता जाता है, वहाँ पे मेरे दोस्त रहते थे, उन्होंने मुझे कहा था होटल गोटुक का, यहाँ पे जाके आप ढाबे पे जाके लंच कीजिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, शिरडी के अंदर अगर आप लोगे तो एक्सपेंसिव प्राइस में मिलेंगे। तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं अभी और होटल गोटुका के पास जाने वाले। होटल गोटुका में हम लोग पहुंच चुके हैं, शिरडी से बहुत नज़दीक है, जिस तरह मैंने बोला था कि शिरडी का दर्शन तो हो गया, बाबा की नगरी भी घूम के हो गई। तो होटल गोटुका के पास हम लोग हॉल्ट लेने वाले, अभी वो हॉल्ट ले लिया है। दोस्त ने जिस तरह कहा था कि वो होटल बहुत मतलब अफोर्डेबल प्राइस में, यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, सबसे पहला तो मुझे ये थोड़ा कम्फर्टेबल लगा, और उसके बाद यहाँ के स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, उन्होंने मुझे फ्रेश खाना कुक करके दिया। मैंने उनको बोला कि अभी कुछ अवेलेबल है, तो वो बोले नहीं, ग्रेवी हम लोग फ्रेशली कुक करके सर्व करते हैं, तो खाना तो अभी आपको देखने मिलने वाले हैं। यहाँ की टेस्ट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे दो वैरायटीज़ मिलते हैं, एक जो रेड ग्रेवी में आता है और दूसरा जो ब्लैक ग्रेवी में आता है। ब्लैक ग्रेवी यहाँ के लोकल पीपल्स बहुत एंजॉय करते हैं, तो हम लोग जैसे कि हम लोग दो भाई लोग आए, तो हम लोग ने सोचा दो अलग अलग फ्लेवर्स मंगाते हैं, मतलब एक रेड ग्रेवी में और एक ब्लैक ग्रेवी में। तो चलिए ये फूड को एंजॉय करता हूँ और आपको बताता हूँ ये फूड में क्या है। चलिए अभी आपको क्या सर्व किया और क्या मिलने वाला है वो बताता हूँ। ये है होटल गोटू का ढाबा, आपसे हमारे दो प्लेट सर्व होने वाले। सिंपल रेस्टोरेंट है, डिसेंट है और अफोर्डेबल प्राइस में जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये ब्लैक ग्रेवी के अंदर का चिकन, जो यहाँ के लोकल बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। रसा अनलिमिटेड है, 4 पीस है, 3 रोटी है, राइस और ये 180 का है। ये आता है फिर बाद में आपको मिलने वाला है यहाँ पे रेड ग्रेवी में, 4 पीस रसा अनलिमिटेड, राइस, कांदा, नींबू और चपाती। लंच को एंजॉय करता हूँ और खाना तो हो गया है, ये छोटा सा मेंबर भी मिल गया यहाँ पे होटल का। तो खाना 180 में पेट भर के था, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा राइस है यहाँ पे, और खाना बहुत डिलीशियस है। जो अलग अलग फ्लेवर में मिले थे, जो ब्लैक कलर का था वो यहाँ के लोकल लोग बहुत खाते, वो एक अलग ही ग्रेवी है जो मुंबई में डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगी। रेड कलर की ग्रेवी है, यहाँ की कॉमन ग्रेवी है। तो एंजॉय तो किया है, अभी हम लोग निकलते हैं टूवर्ड्स मुंबई। नेक्स्ट हॉल रहेगा हम लोग का पेट्रोल पंप की तरफ या की ब्रिज के पास, मिलते हैं बाद। यहाँ पे सीताफल भी मिलते हैं, सीताफल मीठा है, 120 रुपये किलो का भी है। मेरी भी मैंने चेक किया, मैं रेड पेड़ भी है, आप देख सकते हैं रेड गावा। पेड़ी के जो फेमस माने जाते हैं वो रेड पेड़ू, लोकल पेड़ू को मैंने दे दिया। रेड पेड़ू का थोड़ा सीजन अभी चालू होने का बाकी है, सीजन टाइम है ना, लाल पेड़ू चालू हो गया, चालू झाला, पण आता जास्त माल नाही भेटत आहे ना, 15 दिवसांनी माल चालू होईल ना, असं आहे का? तो बोलले की सीजन तो चालू हो चुका है, 15-1 दिन में माल तो बंद हो जाएगा, क्योंकि सीजन चालू होके खत्म होने में आया। अभी जैसे कि इन्होंने कहा पहले वाले अंकल जी, मैंने सादा पेड़ लिया था, उन्होंने कहा कि जनवरी एंड तक ये सीजन चलते हो, देखते जो सच्चे झूठे झूठे हम लोग का कुछ पता नहीं, जैसे यहाँ के लोग पूछते हो हम लोग बता के जाते हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स मुंबई, मिलते हैं वापस अंदर रोड।
तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैंने टी ब्रेक लिया है। शिरडी से होते हुए गोटी गांव से हम लोग यहाँ पे रुके। जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं वहाँ पे खड़ा था, वहाँ से मतलब मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, एक रास्ता जाता है गोटी गांव में, और जो गोटी गांव से होते हुए शॉर्टकट जाता है शिरडी में। गोटी गांव से होते हुए हम लोग वापस अभी यहाँ पे खड़े, अभी टी ब्रेक ले रहा हूँ। टी ब्रेक से गाड़ी को भी थोड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोर्ड है, एक नासिक के तरफ डायरेक्शन और एक मुंबई के तरफ डायरेक्शन है, जहाँ से हम लोग आए थे, मतलब मुंबई शहर। तो हम लोग वहाँ पे ही निकलने वाले हैं, थोड़े टाइम में आपको मिलते हैं मुंबई में। अभी मैं जिधर खड़ा हूँ वो कसारा घाट, वो साइड से हम लोग आए थे, बहुत वे किया। अभी हम लोग जा रहे हैं कसारा घाट से टूवर्ड्स मुंबई। कसारा घाट पे बहुत सारा ट्रैफिक है, और अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो सनसेट का व्यू, वो बताने के लिए मैं कहाँ से यहाँ पे खड़ा हूँ। आप चेक कर सकते हो मेरे आजू बाजू में कितना गाड़ी जा रहा है। कसारे घाट का जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है यहाँ पे, मतलब जो घाट है, बहुत अच्छा है राइडिंग के लिए। बस सेफ राइड करो, इतना ही बोलूँगा।